लखनऊ के डालीबाग में धेनुमती अपार्टमेंट में रहने वाले कमिश्नर दीप रत्न पासवान की पत्नी नम्रता की संदिग्धता में 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। मायके वालों ने डिप्टी कमिश्नर पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस को फ्लैट बंद मिला और हत्या के बाद से पति दीप रत्न भी फरार है, साथ ही उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। मायके वालों का आरोप है कि दीप रत्न दहेज के लिए नम्रता को मारता पीटता था। फिलहाल पुलिस को छानबीन के दौरान अपार्टमेंट के 14वें माले पर नम्रता का पर्स, मोबाइल, दवाइयों और अन्य सामान मिले। पुलिस अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। लड़की है, उसकी शादी 2015 में हुई थी, उसका नाम है नम्रता। तो उसकी अभी ये धेनुमती अपार्टमेंट है हजरतगंज थाना एरिया में, तो यहाँ पे इसकी लाश जो है वो गिरी हुई मिली है। इनके जो घर वाले हैं उनका ये आरोप है कि दहेज के लिए ये लोग इसको प्रताड़ित करते थे और जो लड़का था वो मारता पीटता था। तो इसमें तहरीर ली जा रही है और इसके जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की।